वेलकम बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। और अभी हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड बाय करंट इन द सर्कुलर आर्क ऑफ वायर। ठीक है यस बच्चों, सही सुना आपने, यहाँ पर हम सर्कुलर आर्क ऑफ वायर लेने वाले। अभी तक हमने क्या किया, एकदम स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट वायर, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती थी वो देखी। अभी हम क्या देखने वाले, जो वायर है लेकिन वो थोड़ा सा आर्क के फॉर्म में। ठीक है, सो मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास में इस तरह से कोई वायर है जिसको हमने आर्क के फॉर्म में ले लिया। ठीक है, अब मान लीजिए इसको मैं नाम दे देता हूँ, एक आधा कोई नाम देना चाहेंगे तो आप नाम दे सकते हो। समझो क्या बोलेंगे, कंसिडर दी सर्क्यूलर आर्क ए बी ऑफ द वायर कैरिंग करंट आई। ठीक है, उसमें से करंट कितना जा रहा, आई। ठीक है, यानी क्या बोलेंगे, आई करंट। ठीक है, इन दी करंट इन दी, ठीक है, सर्क्यूलर आर्क, सर्क्यूलर आर्क, सर्कुलर आर्क ध्यान में रखो। ठीक है, ऑफ वायर, सर्कुलर आर्क ऑफ वायर, इसमें से करंट कितना जा रहा है, आई जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए कहीं तो भी, क्योंकि ये सर्कुलर है तो कहीं तो भी इसका क्या होगा, सेंटर होगा। मान लीजिए कि वो सेंटर है। ठीक है, सो यहाँ से इसको अगर कनेक्ट करते हो तो आपको मालूम है ये क्या बन जाएंगे, आपकी रेडियस। ठीक है, यानी यहाँ पर आप क्या करेंगे, कंसिडर अ सर्क्यूलर आर्क ऑफ वायर कैरिंग करंट आई, इसमें से करंट कितना जा रहा है, मान लीजिए आई, ये करंट जा रहा है, एंड रेडियस आर, रेडियस कितनी ले ली हमने, आर इतनी रेडियस ले ली। ठीक है, अब बच्चों करना क्या है, एक जैसे हम ये स्ट्रेट कंडक्टर भी लेते थे तो पहले छोटा सा एलिमेंट लेते, उसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं और पूरे कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इंटीग्रेशन करते हैं, वैसे यहाँ पर भी करेंगे। तो मान लीजिए कि मैं ये छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ, ठीक है, जिसकी लेंथ मान लीजिए हमारे पास क्या है, डीएल है। ठीक है, ये छोटा सा एलिमेंट ले लिया मैंने। ठीक, यानी क्या बोलेंगे, कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ डीएल, यानी डीएल क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ एलिमेंट, लेंथ ऑफ एलिमेंट, लेंथ ऑफ एलिमेंट ऑफ वायर, ऑफ वायर बोलो या फिर सर्कुलर आर्क बोलो, आपकी इच्छा। ठीक है, और फिर क्योंकि इसमें से करंट आए जा रहा है, लेंथ इसकी क्या है, डीएल है, सो इस पॉइंट ओ के ऊपर में क्या निर्माण होंगे, इसकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगी। ठीक है, अब थोड़ा सा पहले ये ले लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि यहाँ से इसको मैं कनेक्ट कर दूँ तो यहाँ पे एक सेंट्रल एंगल तैयार होता है, इसको मैं नाम दे देता हूँ, समझो फाई। यानी फाई क्या है, यहाँ पर फाई आप सेंट्रल एंगल बोल सकते हैं या फिर एंगल सबस्टेंडेड बाय सर्कुलर आर्क बोल सकते हैं। यानी क्या बोलेंगे हम, एंगल, एंगल सबस्टेंडेड, सबस्टेंडेड, सबस्टेंडेड बाय आर्क ए बी। ठीक है, आर्क ए बी ने उसके ऊपर सबस्टेंड किया हुआ क्या है, एंगल है, या फिर सिंपली कहो कि सेंट्रल एंगल है। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम बोलेंगे यहाँ पर इस छोटे से एलिमेंट के कारण, जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं कई बार। ठीक है, यानी क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एट पॉइंट ओ, एट पॉइंट कौन सा, एट पॉइंट ओ, ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, ठीक है, कौन सा, डीएल, कैरिंग करंट आई, कैरिंग करंट आई। ठीक है, इसमें से जाने वाला करंट जो है आई, उसकी लेंथ है डीएल, उसके कारण जो है, ठीक है, तो वो क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो उसको नाम देंगे डीबी, जिसका फार्मूला हमें मालूम है, बायोट सेवर्ट लॉ हम देख चुके हैं। ठीक है, यानी क्या होगा, म्यू जीरो अपॉन फोर पाई इंटू आई इंटू डीएल इंटू साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। आप यहाँ पे बोल सकते हैं बाय, कौन सा लॉ है ये, बायोट सेवर्ट लॉ। ठीक है, इसके अनुसार हम ऑलरेडी ये देख चुके हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे चेक करो, ये जो थीटा है, देखो ये फाई क्या है, सेंट्रल एंगल, ये थीटा क्या है, थीटा किसके बीच में रहता, तो एलिमेंट डीएल और वो जो डिस्टेंस रहता उसके बीच में। लेकिन अगर मैं एलिमेंट डीएल की बात करता हूँ, ये और ये रेडियस है, तो यहाँ पे ये क्या रहेगा, परपेंडिक्युलर, क्योंकि ये रेडियस है, ये एक तरह से टेंजेंट जैसा दिख रहा हमको। ठीक है, यानी क्या बोलेंगे, एज डीएल इज परपेंडिक्युलर टू आर, यानी सिंपली थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90। आपको मालूम है साइन 90 क्या देता हमको, 1 देता। ठीक है, तो साइन थीटा के जगह पे 1 रखेंगे। सो ये जो डीबी है, यानी स्मॉल फील्ड है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट एट पॉइंट ओ, तो वो क्या हो जाएंगी, तो ये हो जाएंगी म्यू जीरो अपॉन फोर पाई इंटू आई डी एल अपॉन सिंपली आर स्क्वेयर, इतना बोलेंगे। अब यहाँ पे साइन थीटा आपको लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि साइन थीटा बन गया साइन 90, साइन 90 हो जाएगा आपका 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
तो ये हो गया। लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाली हुई है बच्चों, ये सिंपली किसके लिए है? ये छोटे से एलिमेंट डीएल के लिए निकाली। लेकिन हमारा जो आर्क है वो तो यहाँ से यहाँ तक है ना, तो हमको तो पूरी क्या लेनी पड़ेगी, उसकी पूरी की पूरी लेंथ के लिए है, ठीक है, जितनी भी लेंथ है उसकी, उस पूरे लेंथ के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड निकालने पड़ेंगे। और इसलिए हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर, एट पॉइंट ओ, एट पॉइंट ओ, ठीक है, किसके कारण, ड्यू टू सर्क्यूलर आर्क ए बी, ठीक है, तो इज गिवन बाय, तो सिंपली मैं इसको बी कहूँगा, और इस छोटे सी मैग्नेटिक फील्ड का मैं इंटीग्रेशन करूँगा। यहाँ पर इंटीग्रेशन थोड़ा स्पेशल ध्यान में रखना, मैं 0 to 5 लेने वाला हूँ। अब 0 to 5 क्यों, क्योंकि बच्चों जब यहाँ से शुरुआत करेंगे यहाँ ऐसा जाएंगे, जब कुछ नहीं है तो यहाँ पर देखो ये जो एंगल बनाना, अगर ये यहीं पे होता तो शुरुआत ऐसा ही होता तो एंगल 0 होता। जैसे जैसे ये आर्क इधर जाएगा वैसे ये एंगल फॉर्म होना शुरू हो जाएगा, तो कंप्लीट ए टू बी होने तक एंगल कितना हमारा 5, इसलिए हम एंगल के अनुसार इसको लेंगे, ठीक है। चलो अब इसमें क्या करो, वैल्यू रखो, तो इंटीग्रेशन 0 to 5 है, डी बी क्या आ चुका है हमारे पास, μ0/4π, यहाँ पर है IdL/r², ठीक है, तो इसमें से कॉमन चीज़ें निकाल दो, μ0/4π, ये सब कांस्टेंट है, I भी हमारे पास कांस्टेंट है, ये आर स्क्वेयर भी जो रहना है वही रहेगा, और इंटीग्रेशन 0 to 5 किसके लिए, DL के लिए हो जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, चलो देखो क्या है। अब आपको ये कई बार आप 9th क्लास 10th क्लास 11th में पढ़ चुके हो कि ये सेंट्रल एंगल है, ये आर्क है और ये रेडियस है, तो आपको मालूम है क्या फार्मूला होता है सेंट्रल एंगल का, सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये सबको मालूम है, ठीक है। अब सेंट्रल एंगल कौन सा है, यहाँ पर हमने लिया इसको फाई, ठीक है, आर्क कौन सा है, तो आर्क ए बी है, ठीक है, अपॉन ये रेडियस समझो आर, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू आर्क ए बी, आर्क ए बी का मतलब यहाँ से पूरा यहाँ तक, इसका मतलब ये छोटे छोटे जो एलिमेंट्स है उसका इंटीग्रेशन करके मिलेगा, तो इंटीग्रेशन कर लो आर्क ए बी के लिए, इंटीग्रेशन डी एल, लेकिन कहाँ से, तो 0 to 5 और नीचे में रहेगा आपका आर, ठीक है, यानी ये आपको देगा, ठीक है, यानी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एल फ्रॉम 0 to 5 अपॉन आर, और इसीलिए हमको इंटीग्रेशन डी एल फ्रॉम 0 to 5 इज इक्वल टू आर को ये कर दो तो आर इंटू क्या होगा, 5 हो जाएगा। अब ये चीज़ ना बच्चों यहाँ पर आप रख दो इक्वेशन 1 में, मतलब फ्रॉम 1 आपको क्या मिलेगा, देखो ये बी है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में, इज इक्वल टू यहाँ देखो क्या है, μ0i/4πr² और ये जो इंटीग्रेशन डी एल की वैल्यू है ये कितनी आ चुकी है, आर इंटू 5, ठीक है। चलो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक एक आर और कट जाएगा, यानी यहाँ पर जो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड वो क्या हो जाएगी, तो ये होगी μ0i/ एक एक आर कट गया तो यहाँ पर क्या हो गया, 4π, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4π, साथ में एक आर रहेगा, ठीक है, और इंटू ये 5, ठीक है, तो ये ध्यान में रखो कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गई हमारी टोटल मैग्नेटिक फील्ड बाय द करंट इन सर्कुलर आर्क ऑफ वायर। देखो यहाँ से यहाँ तक आपने जो वायर लिया सर्कुलर फॉर्म में लिया, आर्क के फॉर्म में लिया, ठीक है, उसके द्वारा इस पॉइंट ओ पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी तैयार होंगे, तो बी इज इक्वल टू μ0i/4πr² ये हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना। चलो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, मान लीजिए कि जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे इतना सा आर्क लिया हुआ है, ठीक है, अब ये आर्क मान लीजिए घूम के अगर पूरा का पूरा कंटिन्यू करता तो यहाँ पर एक सर्कुलर लूप आपको मिलती, ठीक है, पूरा का पूरा सर्कुलर क्लोज लूप रहती ना यहाँ पर, ठीक है, तो अभी फिलहाल यहाँ से यहाँ तक लिया हमने ए टू बी, अगर इसको कंटिन्यू करते अगर मान लीजिए ये, ठीक है, तो यहाँ पे अभी फिलहाल में ये फाई था एंगल, अब जब ये यहाँ से शुरू होकर वापस जब यहाँ पे आ जाएगा तो ये एंगल भी पूरा हो जाएगा, और एट द सेंटर पूरा का पूरा जो एंगल होता है वो होता है 2π, यानी 360 डिग्री, ये आपने देखा हुआ है, ठीक है, तो इसी का इस्तेमाल करते हैं और थोड़ा सा और इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। देखो हमने जो हेडिंग डाली वो इतनी है, इतना ही हमारा आंसर हो जाएगा, कौन सा, कि मैग्नेटिक फील्ड बाय द करंट इन सर्कुलर आर्क, तो वो कितना होगा, बी इज इक्वल टू μ0i/4πr² 5। लेकिन अब इसी को हम क्या करते हैं, पूरा से सर्कुलर लूप अगर बना देते, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, तो फॉर क्या बोलेंगे, फॉर, ठीक है, कंप्लीट सर्कुलर लूप, फॉर सर्क्यूलर
सर्कुलर लूप अगर तैयार करते हैं, यानी पूरा का पूरा सर्कल, तो वहाँ पर हमारा जो फाई होता है वो फाई क्या रहता, 2 पाई रहेगा, ठीक है। और इसीलिए हम बोलेंगे, इसलिए क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, किसके कारण, बाय द करंट, बाय द करंट इन द कंप्लीट सर्क्यूलर लूप, सर्क्यूलर लूप, ठीक है, इज गिवन बाय, ठीक है। देखो यहाँ पर सिर्फ आर्क है, यानी पूरे सर्कल का छोटा सा पार्ट, मैं कंप्लीट सर्कुलर लूप लूँगा तो कंप्लीट सर्कल, उसके लिए फाई क्या रखना है, 2 पाई, क्या हो जाएगा वो, तो b इज इक्वल टू क्या फार्मूला है, ये म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई आर है, लेकिन फाई के जगह पे यू विल पुट हियर 2 पाई, सो फाइनली आपको जो मिलेगा तो 2 पाई कट जाएगा, यानी म्यू जीरो आई, ठीक है, इसको अच्छे से लिखिए, म्यू जीरो आई अपॉन 2 कटेगा तो 2 रहेगा, ये पाई चला गया तो बचा आर, यानी सिंपली आपको अगर मैं कहूँ कि सर्कुलर लूप के कारण उसके सेंटर पर, ठीक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड बाय करंट इन द सर्कुलर लूप, ठीक है, आप ये हेडिंग डाल दो, एट द सेंटर, एट द सेंटर, ठीक है, इज गिवन बाय, इज गिवन बाय, तो क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू जीरो आई अपॉन 2 आर, ये आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना है, ठीक है। यानी यहाँ पर अभी तक इसके पहले जो देखा था हमने वो स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट कंडक्टर के हिसाब से देखा, अभी आर्क ऑफ सर्कल के हिसाब से देखा, और कंप्लीट सर्कल के लिए भी देखा। अगर मान लीजिए सिर्फ आर्क ऑफ सर्कल है, यानी वायर का एक ऐसा आर्क के टाइप में अगर फॉर्म है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई आर इंटू 5। लेकिन अगर मान लीजिए पूरे वायर को हमने सर्कल के फॉर्म में बना दिया, तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू जीरो आई अपॉन 2 आर, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि मैं पूरी की पूरी कंप्लीट थ्योरी नहीं लिखता, एक्सप्रेशन पढ़ते समय पूरी की पूरी कंप्लीट थ्योरी लिखनी पड़ती है, तभी आपको यानी एग्जाम के दृष्टिकोण से देखे तो मार्किंग होता, तो यहाँ पर मैक्सिमम चीज़ें मैं लिखता हूँ जो जो हमारे इसमें मैथमेटिकल फॉर्म में आती है, ठीक है। लेकिन कुछ वर्डिंग होती है वो तो मैं आपको नोट्स के जरिए भेजता हूँ, तो आप ये देखने के बाद, ये पूरा का पूरा समझने के बाद जो नोट्स भेजते हैं हम, तो उस नोट्स को भी बराबर अच्छे तरीके से क्या करिए, रीड करिए और राइट भी करिए, ताकि आपके नोट्स भी बने, आपको समझे हुए, ठीक है। सो बच्चों यहाँ पर आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे बाद में, टिल देन बाय।